सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। बीजेपी ने बिहार में काफी माथापच्ची करने, समय लेने और विचारने के बाद आखिरकार प्रदेश का अध्यक्ष तय कर दिया है। बेतिया से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल जो पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं और लगातार 3 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं, मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो बिहार में बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि बीजेपी बिहार में किस आदमी को चुनती है बागडोर सौंपने के लिए। जब मोदी सरकार यहाँ बनी 2019 के चुनाव के बाद, उसके बाद से महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। इसके बाद से अध्यक्ष के लिए नाम पर विचार करना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों को तो अगले अध्यक्ष मिल गए, लेकिन बिहार में अभी तक यह नाम तय नहीं हुआ था और अब आखिरकार पार्टी ने संजय जायसवाल के ऊपर आकर के अपनी सहमति तैयार कर ली। संजय जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं। संजय जायसवाल, मैंने पहले भी कहा था, बहुत साफ सुथरी छवि के आदमी हैं, उनको लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, वो अजात शत्रु हैं और बेहतरीन इंसान हैं। नेताओं के बारे में जिस तरह की राय रखी जाती है उस तरह की राय से बिल्कुल जुदा तरह का व्यक्तित्व है डॉक्टर संजय जायसवाल का। उनके पिताजी भी बेतिया से सांसद रहे 3 बार, उसके पहले वो विधायक थे और उसके पहले बेतिया म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे। तो जो पूरी विरासत है वो राजनीति की रही है और डॉक्टर संजय जायसवाल का अपना जो पूरा परिवार आगे का है वह भी डॉक्टरी के पेशे में है। पत्नी भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बेटा और बेटी भी। तो कुल मिलाकर के एक जो दुनिया का सबसे बेहतरीन और शरीफ पेशा माना जाता है उस पेशे में पूरा परिवार है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी अपना करियर बतौर डॉक्टर ही शुरू किया था। पीएमसीएस उनका एमबीबीएस है और डीएमसीएस दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमडी है और डॉक्टरी का पेशा उनका चलता रहा था। 2009 में चुनाव लड़े और आए। बिहार में नित्यानंद राय जो उससे पहले अध्यक्ष थे, उसके बाद से 2020 के चुनाव को लेकर के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा तेज थी या फिर कौन होगा, इस सवाल पर बार बार विचार हो रहा था या चर्चा हो रही थी, क्योंकि 2020 बहुत मायनों में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा बिहार में। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये है कि जिस जेडीयू के साथ बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है, जिसके अगुवा नीतीश कुमार हैं, उनकी और बीजेपी की 2 बड़े बुनियादी सवालों पर नहीं बनती है या मतभेद रहा है और चुनाव में उन दोनों सवालों पर बीजेपी वोट मांगेगी। 370 यानी कि 370 को हटाने का फैसला बीजेपी सरकार का, जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसको ख़त्म करने और जम्मू कश्मीर को एक सामान्य राज्य का दर्जा देने का फैसला बीजेपी सरकार का, इस पर जेडीयू सहमत नहीं था और जेडीयू ने 370 का विरोध किया था। और ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक बिद्दत, तलाक 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 कह करके अपनी बीवी को तलाक देने वाला शौहर जेल जाएगा, उसको सजा होगी, ये अपराध है, इसके हक में भी जेडीयू नहीं था। इन 2 बड़े मामलों पर जो बीजेपी के कोर इशू में से माने जाते हैं, जेडीयू साथ नहीं था, इसलिए चुनावों के दौरान जब एक ही मंच पर बीजेपी और जेडीयू होंगे और वहीं से वोट 370 के नाम पर मांगा जाएगा और वहीं से वोट ट्रिपल तलाक को लेकर के मांगा जाएगा, तो जेडीयू कैसे खामोश रहेगा या कैसी तस्वीर होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए बहुत हद तक इस बात की अटकलें हैं या यह लोग चर्चा करते रहते हैं जो बिहार की राजनीति के जानकार हैं कि चुनावों से पहले बहुत संभव है कि बीजेपी जेडीयू से अपनी राह अलग कर ले, क्योंकि उसके पास 2 ताकतवर मुद्दे हैं, मोदी एक अपना फैक्टर हैं और बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष होगा अगर वो बेहतर हुआ तो उसकी अपनी इमेज भी काम कर जाएगी या उसका अपना किया धरा भी पार्टी के काम आ जाएगा। संजय जायसवाल इस तरह के ही व्यक्ति हैं, इस तरह के नेता हैं जिनकी अपनी इमेज या उनका राज्य में अपना किया धरा बीजेपी के काम आ सकता है। इसलिए 2020 के चुनाव में बीजेपी के पास कश्मीर का मुद्दा होगा, बीजेपी के पास ट्रिपल तलाक होगा, बीजेपी के पास
अपने जो दो बड़े चेहरे हैं, एक तो प्रधानमंत्री मोदी होंगे और अमित शाह जो उनके रणनीतिकार हैं, यह दो लोग होंगे, और उसके अलावा संजय जायसवाल जो जिनके हाथों में बिहार बीजेपी की कमान होगी। तो कुल मिलाकर के बिहार में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में होगी, क्योंकि बाकी जो दोनों दल होंगे आरजेडी और जेडीयू, इनके पास वोट मांगने के लिए जातिगत आधार के अलावा कुछ खास मुद्दा नहीं होगा। और बीजेपी लगातार इस कोशिश में रही है कि आप मुद्दों की राजनीति को इस तरीके से बड़ा कर दीजिए कि जात की जकड़न टूट जाए, जो धर्म की बंदिशें हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ये मजहब की बंदिशों और जात की जकड़नों को बीजेपी ने बहुत हद तक ख़त्म किया है 2019 के चुनाव, 2014 के चुनाव या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हों, तो बहुत सारे ऐसे चुनाव रहे हैं जहां बीजेपी ने इस तरह की बंदिशों को या पारंपरिक जो वोट बैंक रहा है अलग अलग दलों का, उसको तोड़ा है, ख़त्म किया है, एक नई राजनीति शुरू की है और नई राजनीति में बहुत सारे प्रयोग किए हैं। वैसे भी प्रयोग जो साफ सुथरी छवि के लोग थे, जिनका राजनीति से बहुत लेना देना नहीं था, उनको भी मुख्यमंत्री के ओहदे पर बिठाया, जैसे कि हरियाणा और झारखंड या फिर महाराष्ट्र भी। महाराष्ट्र में वैसे देवेंद्र फडणवीस सक्रिय राजनेता थे लेकिन नए नेता थे, और इस तरह से उनको गद्दी पर बिठाना भी बीजेपी के लिए प्रयोग था, साहसिक प्रयोग था, और इस तरह का साहसिक प्रयोग बीजेपी राजनीति में लगातार करती रही है। उसने अपनी नई पीढ़ी पैदा कर ली है इस तरीके से चेहरों को जगह देकर के, आगे बढ़ा करके। अब आप देखेंगे असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के पास नए चेहरे हो गए हैं, और संजय जायसवाल भी उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा माने जा सकते हैं। इस तरीके से बिहार में बीजेपी ने संजय जायसवाल के हाथ में पार्टी कमान दे करके 2020 के चुनाव के लिहाज से एक मजबूत मोर्चाबंदी ज़रूर कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक देश की बहुत मशहूर पत्रिका है फेम इंडिया, और फेम इंडिया हर साल बेहतरीन सांसदों को सम्मानित करती है। इस साल 2019 के जो 25 चुनिंदा सांसद थे, उन सांसदों की जमात में संजय जायसवाल भी थे, और संजय जायसवाल को फेम इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ सांसदों का सम्मान दिया था, और उन सांसदों के में से एक सांसद संजय जायसवाल भी थे। लिहाजा संजय जायसवाल की जो इमेज है और यह सब कुछ जो सम्मान होता है या फिर आपके बारे में सोचा जाता है, आपकी इमेज को लेकर के एक अलग राय होती है, यह सिर्फ रातों रात नहीं होती है, बल्कि आप लंबे समय से जब अपना कुछ कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, लोगों के बीच में लड़ रहे होते हैं, इसी दौरान में आपकी इमेज बनती है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और संजय जायसवाल इस पूरे प्रोसेस होकर के आए हैं, एक मंझे हुए साफ सुथरी छवि वाले कद्दावर नेता हैं बिहार के, उनके ऊपर अगर बीजेपी ने अपना बागडोर अपनी रख दी है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। एक बेहतरीन और अच्छा फैसला है ये बीजेपी का। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।